मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं और 526 करोड़ का जो हवाई जहाज था उस हवाई जहाज को 1600 करोड़ में खरीदते हैं। हिंदुस्तान के युवाओं इस बात को आप अच्छी तरह समझो, HAL से आपसे रोजगार छीना गया और जो जहाज 526 करोड़ का था उसे 1600 करोड़ रुपए में खरीदा गया। हमने मोदी जी से, रक्षा मंत्री से पूछा, भैया बताओ इस हवाई जहाज का दाम क्या है। रक्षा मंत्री कहती हैं हिंदुस्तान के युवाओं को हम दाम नहीं बताएंगे। फ्रांस का राष्ट्रपति आता है, रक्षा मंत्री ने कहा था फ्रांस के साथ हमारा सीक्रेट पैक्ट है। मैंने उनसे पूछा, मैक्रोन जी से मैंने पूछा, भैया आप एक बात बताइए, जैसे आप खड़े ना वैसे बैठकर हमने उनसे पूछा कि बात बताइए, ये हिंदुस्तान की जनता का पैसा है, ये हिंदुस्तान के युवाओं का पैसा है, क्या आपके बीच में और हिंदुस्तान के बीच में, सरकार के बीच में कोई सीक्रेट पैक्ट है जिसमें लिखा है कि हिंदुस्तान के युवाओं को राफेल हवाई जहाज का दाम नहीं दिया जा सकता है, बताया जा सकता है। मैक्रोन मुझे कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, अगर हिंदुस्तान की सरकार किसी को भी राफेल हवाई जहाज का दाम बताना चाहती है बता सकती है। पहला सवाल, डिफेंस मिनिस्टर ने झूठ क्यों बोला? ठीक है, बाद में क्या होता है, बाद में हवाई जहाज का दाम निकलता है 526 करोड़ वर्सेस 1600 करोड़। बाकी देशों ने भी खरीदा, किसी ने 1600 करोड़ रुपए का हवाई जहाज नहीं खरीदा, सिर्फ हिंदुस्तान ने सबसे महंगा। ठीक है, HAL 70 साल से हवाई जहाज बना रही है, आपने सुना होगा मिग हवाई जहाज बनाया, सुखोई हवाई जहाज बनाया, जैगवार हवाई जहाज बनाया, एक्सपीरियंस है, जानकारी है, यहाँ पे फैक्ट्री है, आप जाके देखो। अनिल अंबानी ने जिंदगी में, युवाओं अच्छी तरह सुनो, अनिल अंबानी ने जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया, कॉन्ट्रैक्ट मिलने से 10 दिन पहले अनिल अंबानी जी कंपनी खोलते हैं, उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, डील किसने की, डील नरेंद्र मोदी जी और फ्रांस के एक्स राष्ट्रपति होलैंड जी ने की। होलैंड जी से पत्रकार पूछता है क्या अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट देने का निर्णय आपने लिया था, फ्रांस की सरकार ने लिया था, डसॉल्ट कंपनी ने लिया था? होलैंड जी कहते नहीं। युवाओं सुनो, फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा नहीं, निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने लिया, यह सच्चाई है। कहा था देश का चौकीदार बनेंगे, भाषण दिए एक के बाद एक, एक के बाद एक, मैं चौकीदार बनना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं। और चौकीदार ने 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी जी के जेब में डाले। किसका पैसा था? सबसे पहले हिंदुस्तान के युवाओं को, दूसरे नंबर पे एयरफोर्स का, उनका पैसा था और नरेंद्र मोदी जी ने उनसे छीन कर अनिल अंबानी को दिया। हिंदुस्तान के युवाओं, आपने लोकसभा में राफेल पे डिस्कशन देखा होगा, आपने मेरा भाषण सुना, मैंने नरेंद्र मोदी जी से 4 सवाल पूछे, HAL से आपने कॉन्ट्रैक्ट क्यों छीना, अनिल अंबानी ने हवाई जहाज कभी नहीं बनाया, 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा है उस पे, जैसे विजय माल्या पे 9,000 करोड़ रुपए का, 45,000 करोड़ रुपए कर्जा अनिल अंबानी पे है। मैंने देश के प्रधानमंत्री से आपके सामने पूछा कि आपने अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया, कभी उधर देखें, कभी नीचे देखें, कभी साइड देखें, कभी यहां देखें, मगर आंख में आंख मिलाकर, जैसे मैं युवाओं जैसे मैं आपके साथ आंख मिला रहा हूं, वैसे नरेंद्र मोदी जी आंख नहीं मिला पाए। क्यों? नरेंद्र मोदी जी ने देश का पैसा चोरी किया है और अनिल अंबानी को दिया है, यह सच्चाई है। और अभी ये और चलेगा, मैंने कहा है ये अभी शुरुआत हुई है, देश के युवाओं शुरुआत हुई है, अभी राफेल में बहुत और बाहर आएगा। अभी विजय माल्या को किसने दौड़ाया, क्यों दौड़ाया,
कितने हजार करोड़ रुपए के साथ दौड़ाया, वो भी बाहर निकलेगा। तो अभी आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं चौकीदार बनना चाहता हूँ, मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूँ, वो आप सबके सामने बिल्कुल साबित हो जाएगा, सच्चाई आपको दिखाई देगी, आप निर्णय लेना। धन्यवाद।